शेख, जो ये अहनाफ के लोग ये दुआ कुनूत में जो दूसरी दुआ कुनूत पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का, तो क्या ये सही हदीस से साबित है? दुआए कुनूत जो है, दुआए कुनूत के सिलसिले में दो बातें बहुत अहम याद रखें। पहली बात तो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए कुनूत सिखलाया, अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदेत, ये जो दुआ है इसको सिखाया, लिहाजा कुनूत के अंदर ये दुआ पढ़ना जायज है। दूसरी बात ये कि कुनूत के अंदर इसी दुआ को पढ़ना जरूरी नहीं है कि जब हम इसको पढ़ेंगे तभी दुआए कुनूत होगी, उसके अंदर जी किसी और दुआ को भी आप पढ़ सकते हैं। आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, इसको छोड़ करके कोई और दुआ भी पढ़ सकते हैं, आप जिस दुआ की आपको जरूरत हो वो दुआ कुनूत के अंदर आप पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों बातें याद रखना बहुत जरूरी है। एक तीसरी बात जिसका ताल्लुक आपके सवाल से है कि बहुत सारे लोग जो दुआए कुनूत है अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदेत आखिर तक, इसमें कई अल्फाज अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं। अगर वो ये समझ के बढ़ा रहे हैं कि इस हदीस का वो हिस्सा है तब ये जायज नहीं है, लेकिन वो ये दुआ कर रहे हैं और उनको उन्होंने अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ और चीजों को तलब किया अल्लाह रब्बुल आलमीन से और इजाफा किया, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये समझ करके बढ़ाना कि ये अल्फाज अल्लाह के नबी से साबित हैं या ये हदीस का हिस्सा है, ये सही नहीं है।